हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे रोड ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन है और रात में हम लोग यहाँ पे आए थे रानवाला रिसोर्ट में। तो बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट मिला हमें, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा हम रेस्ट ही करेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स ही करेंगे, ज़्यादा कहीं घूमेंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ का एक ब्यूटीफुल सा ये रिसोर्ट का अगल बगल का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ। देखिए, रात में नहीं दिखा पाया आपको, रात का जो ब्लॉग था हमारा मैं भी दिखाता हूँ। चलिए आपको। तो गाइस ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो यहीं पे हमने रात को चूल्हा लगा के खाना बनाया और ये देखिए इसके चारों तरफ से खेत है। देखिए ये व्यू है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। गर्मी का मौसम चल रहा है बट यहाँ पे गर्मी नहीं है। ये रहा, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रिलैक्सिंग है। चारों तरफ से इसके पहाड़ है, बीच में ये खेतियाँ हैं, खेतियों के बीच में ये रिसोर्ट है। ये रहा, रात में पता नहीं इसका नज़ारा आपको ठीक से दिखाया नहीं। ये देखिए, ये ऐसे है रिसोर्ट रहने के, और आजू बाजू में पूरी हरियाली है, नेचर के बीचों बीच है और बहुत अच्छा है। ये है अपना रूम वहाँ पे पीछे, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको, बहुत ही शांत सा माहौल है। ना यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, गाड़ियाँ वीडियाँ कुछ ऐसे कुछ आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ है, बहुत ही सुकून देने वाली। अरे अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, दो साइड से दरवाजे अपने रूम को, सामने से और पीछे से भी। पीछे से तो खुलता है, वो यहाँ इस बगीचे में खुलता है। जावेद अभी उठे हैं हम लोग। हेलो जावेद, कैसा है रिसोर्ट, कैसे लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है रिसोर्ट, रात को बहुत देर से सोया, इसलिए अभी थोड़ा देर से उठना पड़ा। तो अब कहाँ जाओगे अभी तुम? जाएंगे देखेंगे, कहीं नहाने के लिए मिला तो नहा के बाद में सीधा घर को। जावेद जो बोल रहा है वो ना, यहाँ से एक नदी बहती है छोटी सी, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे बोल रहे हैं वहाँ के यहाँ के केयर टेकर। अब वहाँ पे जाएंगे हम लोग और जहाँ के वहाँ जाके देखेंगे। और गैस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे नहाने, होटल में पानी है बट यहाँ पे ना हमारे होटल के पीछे मैंने बताया ना आपको एक नदी बहती है नेचुरल, यहाँ पे एक नदी बहती है नेचुरल में, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके अभी हम नहाएंगे नेचर के बीच, क्योंकि ये चीज़ें हमको हमेशा नहीं मिलती है। तो वहाँ जा रहे हो, गणेश ने बताया हमको यहाँ का केयर टेकर जो है। तो चलो वहाँ चलते हैं, और चलते चलते आजू बाजू में जो भी दिखाई देगा आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी धूप है बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी ऐसी नहीं है, धूप है। अभी पीछे गले पे मेरे धूप जो पड़ रही है चुभन सी हो रही है, बट जैसे मालवन में हम लोग थे कल वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो रही थी, भीग भी रहे थे हम लोग, गर्मी भी थी, तो वैसा माहौल नहीं है यहाँ पे, ठंडा माहौल है बट ये धूप जो लग रही है बस उतनी होती है। ये देखो ये खाली पैर जा रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ज़्यादा गर्म नहीं है, धूप भी उतनी नहीं है। जल रहे क्या इसके पैर? जल रहे, अभी बहुत टाइम से चल रहा है इस रोड पे, तो बट नॉर्मली उतनी नहीं है जितनी मालवन में थी। अरे देखो हम लोग गांव में है तो ये सब गांव में देखने मिलेगा। तो गाइस ये रास्ता जा रहा है नदी की तरफ, चलो देखते हैं हम लोग भी क्या क्या है अंदर, कैसी है नदी। कार नहीं लाए हम लोग क्योंकि हमारे होटल से बस बहुत ही पास में है, तो सोचा कि थोड़ा पैदल ही चलते हैं। देखिए इस जानवर की आवाज़ आ रही है पीछे से,
खेत है सब, आजू बाजू में गन्ने के खेत है, ये सब गन्ने के खेत है। और रहा अपना होटल दिखाई दे रहा है, हाँ तो भाई ने यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी बोला था, तो देखिए बट मेरी वाली गाड़ी चली जाती है यहाँ से। वाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडा माहौल है, आप देख रहे हो कि जैसे ऊपर से आ रहे तो पूरे पेड़ अपने ऊपर है, पौधे वगैरह, बहुत ही ठंडा माहौल है। ये देखिए सामने नदी दिखाई दे रही है, देखो गाइस ये रही नदी, साफ है पानी दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत और ठंडा माहौल है यहाँ का, बहुत ही प्यारी नदी बह रही है, बहुत ही साफ पानी है, बस घुटनों तक का पानी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो कमर तक का पानी है, अच्छा है। नेचर के बीचों बीच देखिए कितना प्यारा है, पीछे देखिए, शायद जरा जाके देखो पानी कैसा है, तो शायद बताएगा अभी। पानी है साफ है ना, आए क्या अंदर फिर हम आ जाए अंदर, तो गाइस बहुत ही ठंडा पानी है वैसे बोल रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि ऊपर से धूप लग रही थी, अब नीचे ठंडे पानी में हम लोग बैठेंगे। चलिए तो गाइस हम लोग अभी थोड़ा सा स्नान वगैरह करते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, चलो। नदी पे हमारा नहा के हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं रूम पे, फ्रेश भी हो गए हम लोग, बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही मज़ा आया और अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, तो चलिए अभी रूम पे जाएंगे, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे गोवा के लिए, फिर हमारा ट्रिप वहीं पे ख़त्म। तो थर्ड डे है हमारा आज, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाइयों के साथ, ये मेरे तीनों छोटे चचेरे भाई है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, कुछ चीज़ें इनको सिखाई, कुछ चीज़ें इनसे सीखने मिली, अच्छा टाइम भी था बहुत टाइम के बाद। तो ये देखिए गाइस, तो हमारे छपरियों का यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, हल्का सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी हम लोग खाना खाने वाले, लेट से उठे तो थोड़ा चाय बिस्किट ही पी रहे हैं। तो व्यू भी देखिए पीछे से इनके, इतना बढ़िया है, अच्छे से गाइज। क्लाइमेट जो अभी चल रहा है ना वेदर, वो हॉट समर चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, ऐसे वैसे वाला वेदर चल रहा है एकदम, बट यहाँ पे ना आप देखिए चारों तरफ से खेती है, ये देखिए, तो यहाँ का जो वेदर है बहुत ही कूल है, ठंडी हवा आ रही है और लग नहीं रहा है कि हम लोग समर के टाइम पे है, ऐसे लग रहा है कि कहीं पे एंड ऑफ विंटर जैसे होता है ना वैसे, तो अच्छा शांत माहौल है, बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस है,
मैं सजेस्ट करूँगा जो भी महाराष्ट्र के आसपास में रहते हैं वो रानमाला रिसोर्ट में आए, फैमिली टाइम बिताए या फिर बैचलर्स अगर रिलैक्स टाइम बिताना चाहते हैं तो भी बिता सकते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे केयर टेकर है गणेश भाई, वो भी बहुत कोऑपरेटिंग है, आप जो बोलोगे वो सब अवेलेबल करके देते हैं। यहाँ पे अच्छा है, अच्छी जगह है, आए आप लोग तो। चलिए मैं भी अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है हमारा, लेट हो गया ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद हम लोग खाना भी खाना है हमको। जीप जल गई है इसके, थोड़ा नहीं। तो ये हमारा ट्रिप का आखिरी मील है आज, दोपहर का खाना है, रानमला रिसोर्ट में है। और जो खाना हमको यहाँ पे अभी मिला है, देखिए पास लाइए थोड़ा, ये है भाकरी, चावल की रोटी है, चारी की रोटी बोलते हैं इसको, श्रीखंड है, ठीक है, दही वाली प्योर है, होममेड है। और ये देखिए अक्खा मसूर, और ये यहाँ की दाल है, रस्सा सांभर है, शीरा भी है, अचार, प्याज, पापड़, चिकन और राइस भी अभी देंगे लोग। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा खाना भी मिलता है यहाँ पे, घरगुती खाना है, घर में बनाया हुआ होममेड फूड है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसका दिखा दो, प्योर दही मीठा है और रिच, एकदम रिच फ्लेवर्स है, बहुत टेस्टी खाना है। रानमला रिसोर्ट में आए यहाँ पे राधा नगरी में, ये खाने का एक्सपीरियंस करें, होटल फाइव स्टार होटल का खाना छोड़िए, होममेड खाना खाइए। हमारे गणेश भाई के वाइफ ने बनाया हुआ है और बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही सपोर्टिंग है गणेश भाई। आप यहाँ पे आओगे रहने के लिए तो हर किसी सुविधा को वो उपलब्ध करके देंगे आपको, हर एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर एंड अवेलेबल बाय गणेश। तो आइए अभी हम लोग अपना खाना खाएंगे, आप लोग भी अपना खाना खाइए। और बाकी की इस रिसोर्ट के बारे में जो डिटेल्स है मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, ये स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिया हूँ इसको आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो, डिस्काउंट भी देते हैं ये लोग, फ़ोन पे आप बात करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा ही। यहाँ आने के बाद भी वो लोग आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा जो भी है, और वेदर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए। तो गाइस अपने साथ यहाँ पे अपने गणेश भाऊ है, यहाँ के केयर टेकर है, तो ये बताएंगे आपको इसमें क्या क्या अवेलेबल है और यहाँ की जानकारियाँ बताएंगे। तो गणेश भाई बताइए। हाँ, आपल्या इथे एक रानमा रिसोर्ट है, ये राधानगर मध्ये येते, राधानगरच्या पॅरेलल रोडला एक पडळे म्हणून गाव आहे, तिथे म्हणजे रानमा रिसोर्ट आहे। तिथे आपल्या इथे एक सहा रूम आहेत, एका साईडला चार वगैरे दोन आहेत, बॅक साईडला नदी आहे, जवळ बघण्यासाठी एक राधानगरी डॅम आहे, काळामेळी धरण आहे, हत्ती मारे एक जुनी वास्तू शॉप म्हणजे शंभर शंभरची जुनी वास्तू अशी एक, परत बटरफ्लाय गार्डन आहे। आपण इथून वाईल्ड लाईफ सफारी पण वेन दाजीपूर आहे, तिथे आपण वाईल्ड लाईफ सफारी करून आपण मस्तपैकी जंगलातून फेर गट्टा मारू शकतो। संध्याकाळी इथे मस्तपैकी उत्कृष्ट शाकाहारी मांसाहारी जेवणाची सोय होते आपल्या इथे, आपण संध्याकाळी आपल्याला या लॉनवरती आपल्या इथे कॅम्प फायर, तर तुम्हाला करावं की बघून गाणी बिणी म्हणण्यासाठी पार्टी करता है। तर थैंक यू गणेश भाऊ का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ, आप लोग आइए आपको हर चीज़ की सुविधा करके देंगे और बहुत ही सपोर्टिंग है। तो आइए और ये देखिए ये एरिया के बारे में गणेश भाऊ बता रहे थे, यहाँ पे कैंप फायर वगैरह होगा, बॉन फायर वगैरह जो भी आपको करना है, तो डिटेल जो गणेश भाऊ ने बताया मराठा। तो गाइस ये था हमारा रानमला फार्म रिसोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस मेरे भाइयों के साथ। हमने थ्री डेज़ का रोड ट्रिप किया और महाराष्ट्र के कई जगहों पे हम लोग घूमे, बहुत मज़ा आया हमको इनके साथ रह के, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा इनसे भी मैंने, अभी बहुत मज़ा आया, बहुत तो अच्छा लगा। तो जावेद के साथ भी टाइम इस बार बहुत टाइम निकाला मैंने, नॉर्मली होते नहीं हम लोग साथ में, ये भी बिज़ी मैं भी बिज़ी। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से अभी जा रहे हैं वापस,
ये रोड ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, गोवा जाने के बाद ख़त्म होगा, बट हमारे जो ब्लॉग्स है वो यहीं पे अभी ख़त्म हो रहे हैं। तो गाइज आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग भी इस फार्म पे आए और इन्जॉय करें, इस फार्म के डिटेल्स मैं दे चुका हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग भी आए इन्जॉय करें इस फार्म पे, फैमिलीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी है, नेचर के बीच में रहोगे। और गाइज तो अब वक्त हो चुका है इस वीडियो को ख़त्म करने का, तो हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में अपने। तो तब तक के लिए हमारे चैनल द गोवन मुसाफिर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज़।